नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में ये गंदी चीज देखने से चमक जाती है किस्मत, अचानक बरसने लगता है पैसा। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान रात को सोते समय को कई तरह के सपने देखता है। कुछ सपने सुखद एहसास दे जाते हैं तो कुछ काफी डरावने होते हैं। हालांकि स्वप्न शास्त्र में हर अच्छे और बुरे सपने का अलग अलग मतलब हो सकता है, क्योंकि हर सपना भविष्य के लिए कुछ न कुछ संकेत देता है। आज एक ऐसे सपने के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद बात करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। कभी कभार सपने में किसी को मल यानी कि पॉटी दिखाई दे जाती है। तो आइए जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद को मल करते हुए दिखाई देना शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। ऐसा सपना आने का मतलब है कि आप जल्द अमीर होने वाले हैं और व्यापार आदि क्षेत्र में काफी तरक्की मिलने वाली है। सपने में अगर आप कहीं जा रहे हो और आपका पैर मल पर पड़ जाए तो यह शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना आने से निकट भविष्य में धन की प्राप्ति होती है। वहीं दोस्तों, अगर सपने में अगर आपको अपने चारों तरफ मल दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक ऐसा सपना आने से इंसान की किस्मत चमकने लगती है और उसके लिए धन लाभ के योग बनते हैं। वहीं इसके विपरीत दोस्तों, सपने में अगर आप मल साफ करते हुए दिखाई दें तो इसका मतलब अशुभ होता है। ऐसा सपना आने से काफ़ी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है और कई तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। वहीं दोस्तों, सपने में अगर खुद को मल खाते हुए देखना अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा सपना आने पर इंसान को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में विभिन्न तरह की समस्याएँ होने लगती हैं। तो दोस्तों, मल से जुड़े कुछ सपने तो शुभ होते हैं, लेकिन कुछ सपने अशुभ भी होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।